Hey guys, this is Mukul Sharma, aka Stuff Listings. Welcome to yet another episode of Tech Stuff. Okay, शुरू करते हैं आज की टेक न्यूज़ वीवो के साथ। वीवो बहुत जल्दी लॉन्च करने वाला है अपनी वीवो V21 सीरीज के बहुत सारे स्मार्टफोन्स, और आज मैंने V21 सीरीज के 3 स्मार्टफोन्स को अलग अलग जगह पे सर्टिफाई होते हुए स्पॉट कर लिया है। सबसे पहला स्मार्टफोन है वीवो V21e। गाइस, ये जो स्मार्टफोन है ये एक 5G स्मार्टफोन होगा, और इसको देख के मेरे को लग रहा है कि यार पूरी की पूरी वीवो V21 जो सीरीज है ये एक 5G सीरीज हो सकती है। तो गाइस, ये जो स्मार्टफोन है इसको मैंने IMEI डेटाबेस वेबसाइट पे आज स्पॉट किया, और इसके अलावा वीवो V21 और V21 Pro, ये जो दोनों स्मार्टफोन्स हैं इनको मैंने अपनी हमारी इंडिया की BIS जो सर्टिफिकेशन होती है वहां पे स्पॉट कर लिया। दैट मींस यस, Vivo V21 सीरीज इंडिया में अब आपको बहुत जल्दी देखने को मिलने वाली है। एंड गाइस, Android वर्सेस iOS, Apple वर्सेस Android, ये जो मतलब फाइट वगैरह चलती रहती है लोगों में, ये हमेशा चलती रहेगी, बट यहां पे एक तगड़ी रिपोर्ट निकल के आई है जो मेरे को लग रहा था कि यार आप लोगों के साथ मुझे शेयर करनी चाहिए। तो गाइस, एज इट टर्न्स आउट, इस रिपोर्ट की अगर हम माने तो Android डिवाइसेस जो हैं ये 20 टाइम्स ज्यादा डेटा भेजते हैं अपने गूगल के सर्वर पे व्हेन कंपेयर्ड विद iOS डिवाइसेस। मतलब लेके चलो कि यार डेटा जो है ये दोनों प्लेटफॉर्म आपको मतलब आपका सेंड करेंगे ही करेंगे, बट एंड्रॉइड यहाँ पे 20 गुना ज्यादा डेटा जो है, अगेन इस रिपोर्ट की अगर हम माने तो, वो गूगल को सेंड करता है। अब आप लेके चलो कि यार जो है जैसा है यही है, और कहीं ना कहीं प्राइवेसी की अगर हम बात करें, सिक्योरिटी की बात करें, तो लोगों का ट्रस्ट इन्हीं चक्रों को लेके यार एप्पल पे थोड़ा ज्यादा रहता है। एंड गाइस, यूट्यूब के बारे में आपने सुना होगा, यूट्यूब के बारे में, यूट्यूब पे मतलब बहुत सारी वीडियोस आती हैं, बहुत सारे लीक्स वगैरह आते हैं, और यूट्यूब ने एक नया फीचर टेस्ट आउट करना शुरू कर दिया है। ये क्रिएटर्स को हो सकता है कुछ एडिड एडवांटेज प्रोवाइड करे। एज इट टर्न्स आउट गाइस, यूट्यूब जो डिसलाइक वाला बटन होता है ना, उसका मतलब जो काउंट है लोगों को दिखता है कि यार 100 लोगों ने लाइक किया, 50 लोगों ने डिसलाइक किया, वो जो 50 डिसलाइक वाला एक काउंट है ना, उसको यूट्यूब क्रिएटर के हाथ में देने वाला है जल्दी कि यार आप इसको हाइड कर सकते हो। अब इससे क्या होगा यार, कई बार होता है कि कुछ लोग ना हेट्रेड फैलाने के लिए अननेसेसरीली बगैर वीडियो देखे डिसलाइक करते थे मतलब वीडियोस को, तो वो चीज बच जाएगी। बट अगेन मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं लाइक डिसलाइक वाली जो चीज है या तो दोनों होनी चाहिए या एक भी ना हो। बट कांट हेल्प इट, यहां पे प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे स्पैमर्स, हेटर्स वगैरह जो होते हैं, कैंपेन्स चलते हैं हेट्रेड वाले, उनको बचाने के लिए यूट्यूब इस फीचर को टेस्ट आउट कर रहा है। और आपका वैसे इसके बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। सैमसंग गैलेक्सी S20 फैन एडिशन स्मार्टफोन का 5G वेरिएंट जो है ये इंडिया में पहली सेल पे आप जा चुका है, और इसकी प्राइसिंग की अगर बात करें तो गाइस 55,999 56,000 रुपीस से एक हाजमोला कम में गैलेक्सी S20 फैन एडिशन स्मार्टफोन का 5G वेरिएंट जो है ये इंडिया में लॉन्च कर दिया गया। बट अगर आप इसको लेना ही चाहते हो, मतलब लेना ही है आपने, तो इसकी जो अभी के लिए इंट्रोडक्टरी प्राइसिंग है वो है 47,999, मतलब 48,000 रुपीस से एक हाजमोला कम में आपको गैलेक्सी S20 फैन एडिशन स्मार्टफोन का 5G वेरिएंट जो है ये इंडिया में देखने को मिल जाएगा। 8,000 रुपए आपको कम प्राइसिंग पड़ेगी। तो गाइस मेरे हिसाब से 48K पे ये स्मार्टफोन ठीक है, अच्छी प्राइसिंग है, बट स्टिल आप लोग बताइए आपको इस नए वेरिएंट की प्राइसिंग कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन आप हमें बता सकते हैं। एंड गाइस, रियलमी बहुत जल्दी अपनी रियलमी सी सीरीज का कोई स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। माधव शेठ जी ने इसको ट्वीट किया था, और अगर आपको याद हो मैंने बताया था कुछ टाइम पहले कि सुबह ही बताया था कि यार एक स्मार्टफोन नहीं होगा, एक से ज्यादा स्मार्टफोन्स होने के चांसेस हैं। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा एक्सक्लूसिवली कि यार रियलमी सी सीरीज के 3 स्मार्टफोन, जी हाँ 3 स्मार्टफोन एक साथ लॉन्च होंगे अर्ली अप्रैल में। लेके चलो मतलब शुरू में पहले 10 दिनों में आपको Realme C सीरीज के ये जो तीनों स्मार्टफोन्स हैं ये देखने को मिलने वाले हैं। एक एक्सक्लूसिव पोस्टर जो है मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। एंड गाइस, ओप्पो ने कुछ टाइम पहले लॉन्च की थी अपनी रेनो 5 सीरीज, मतलब तगड़े स्मार्टफोन थे, प्राइसिंग भी इंडिया में अच्छी देखी गई है। बट यार ओप्पो रेनो 6 सीरीज इतनी जल्दी लॉन्च हो जाएगी ये तो हम भी ना सोचे थे। तो गाइस रेनो 6, रेनो 6 प्रो दोनों स्मार्टफोन्स को लेकर आज बहुत सारे लीक्स वगैरह निकल के आ चुकी हैं। रेनो 6 जो स्मार्टफोन है ये तो 3C सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे भी अब सर्टिफाई हो गया। दैट मींस यस, ये सीरीज जो है बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है। रेनो 6 स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलेगी 65 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग, 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट होगी, साथ में मीडियाटेक का डायमेंसिटी 1200 प्रोसेसर होगा, 8GB रैम होगी, 128GB होगी इंटरनल स्टोरेज। रेनो 6 प्रो की अगर हम बात करें तो यहां पे देखने को मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर, 12GB रैम और साथ में 256GB 12GB रैम, 256GB इंटरनल स्टोरेज जो है ये आपको रेनो 6 प्रो स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाली है। तो गाइस लेके चलो, रेनो 5 सीरीज अभी आई थी और रेनो 6 सीरीज जो है दैट इज ऑल्सो नॉट टू फार अवे फ्रॉम नाउ।
और गाइस Realme बहुत जल्दी लॉन्च करने वाला है अपने एक और नए 5G फोन को। इसका नाम होगा Realme 8 5G। तो गाइस Realme 8 5G जो स्मार्टफोन है ये आज मैंने स्पॉट किया है FCC सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे। और FCC की अगर हम माने तो यार स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलेगी एक 5000 mAh बैटरी, साथ में 8.5 mm 8.5 mm इसकी थिकनेस होगी, 185 grams इसका वेट होगा। डब्बे से निकालते ही Realme 8 5G स्मार्टफोन में आपको एंड्रॉइड 11 बेस्ड Realme UI 2.0 जो है ये देखने को मिलने वाला है। और नॉट जस्ट दैट गाइस, Realme 8 5G जो स्मार्टफोन है ये पीछे से दिखता कैसा है ये भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। एंड गाइस Realme ने अपने Realme GT Neo स्मार्टफोन को भी लॉन्च कर दिया है चाइना में। इस स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स, प्राइसिंग जो है मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। और यार चाइना में तो चलो ये स्मार्टफोन लॉन्च हो गया, प्राइसिंग भी स्मार्टफोन की अच्छी है, बट व्हाट अबाउट इंडिया? तो गाइस आज मैं आपको बताना चाहूंगा, 100% कंफर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं, Realme GT Neo जो स्मार्टफोन है ये आने वाला है बहुत जल्दी इंडिया में भी, बिकॉज इंडिया की BIS सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे भी Realme GT Neo जो स्मार्टफोन है इसको आपके भाई ने आज स्पॉट कर लिया है। एंड गाइस Realme GT Neo स्मार्टफोन तो लॉन्च हुआ, साथ में Realme ने अपने एंट्री लेवल 5G Realme V13 स्मार्टफोन को भी लॉन्च कर दिया। और इस स्मार्टफोन की भी स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स और प्राइसिंग जो है मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। और दिखने में स्मार्टफोन Realme 8 5G स्मार्टफोन जैसा लग रहा है, बट इसका मॉडल नंबर जो है वो Realme 8 5G से थोड़ा सा अलग है। सो जो भी है, ये स्मार्टफोन Realme V13 जो है ये भी बहुत जल्दी आपको किसी ना किसी रूप में इंडिया में देखने को मिलने वाला है। और गाइस Realme कमाल कर रहा है यार, Realme ने कल बोला कि हम अपना पहला लैपटॉप लॉन्च करने वाले हैं, इसका नाम होगा Miao Book। और आज Realme कह रहा है कि Miao TV भी लॉन्च होने वाला है। ये एक 100 इंच का, 100 इंच का जितनी मेरी दीवार है इतना बड़ा टीवी होगा। और अगेन आई डोंट नो, ये अप्रैल फूल वाला चक्कर चल रहा है या फिर Realme असली में ये चीजें लॉन्च करने वाला है, बट अगर असली में Realme लॉन्च कर दे 100 इंच का टीवी तो दैट कुड बी एन अमेजिंग थिंग। और लेके चलो कि यार Realme का ये जो टीवी है ये भी आपको अर्ली अप्रैल में देखने को मिल सकता है। और गाइस बढ़ते हैं आज की लास्ट न्यूज की तरफ, बट बिफोर दैट अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। एंड वंस अगेन, अगर आपने अभी तक स्टाफ लिस्टिंग्स आर्मी को ज्वाइन नहीं किया, यू कैन डू दैट राइट अवे। नीचे जो लाल रंग का बटन है उसको दबाइए और उसके साथ जो घंटी है उसको दबाना मत भूलना, सो दैट आपको हमारे चैनल की हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके डिवाइस पे मिलती रहे। और गाइस वीडियो करते हैं खत्म Xiaomi के साथ, Redmi के साथ या Poco के साथ, मेरे को नहीं पता किसके साथ खत्म कर रहा हूं आज की न्यूज में। तो गाइस Redmi के 40 Pro Plus जो स्मार्टफोन है ये Mi 11i करके लॉन्च हो गया ना, मतलब ग्लोबल मार्केट में। इंडिया में स्मार्टफोन आना है Mi 11X Pro करके। अब यार Mi 11X Pro जो स्मार्टफोन है, मतलब इंडियन जो वेरिएंट है, आज मैंने इसको स्पॉट कर लिया है IMEI डेटाबेस वेबसाइट पे। तो लेके चलो ये स्मार्टफोन इंडिया में तो आएगा ही आएगा, बट फिर से एक नया ट्विस्ट यहां पे निकल के ये आया कि यार Mi 11X Pro स्मार्टफोन के साथ Poco मॉनिकर भी लिखा गया है। अब यार Poco F3 Pro स्मार्टफोन बनके ये आएगा या फिर Mi 11X Pro बनके आएगा, ये तो आने वाले कुछ टाइम पे पता चल जाएगा। बट लेके चलो कि ये स्मार्टफोन अब बहुत ही जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाला है। और इस वीडियो में बढ़ते हैं आगे, बट पहले देख लेते हैं कल का पोल। कल मैंने आपसे पूछा था कि आपको Poco X3 Pro की प्राइसिंग कैसी लगी। यहाँ पे 87% लोग कह रहे हमें तो अच्छी लगी और 13% लोगों को इसकी प्राइसिंग अच्छी नहीं लगी। और गाइस आज की वीडियो का पोल भी जो है ये प्राइसिंग को लेके ही है, Realme GT Neo जो स्मार्टफोन है इसकी प्राइसिंग आपको कैसी लगी, मतलब चाइनीज प्राइसिंग आई है। ये स्मार्टफोन इंडिया में भी लॉन्च होने वाला है बहुत जल्दी, तो कम्युनिटी सेक्शन में आप जाके पोल करके बता सकते हैं कि Realme GT Neo जो स्मार्टफोन है इसकी प्राइसिंग के बारे में आपके क्या ख्याल है। और वीडियो खत्म करने से पहले ये देखते हैं कल के बेस्ट कमेंट्स। आप लोगों के कमेंट हम लोगों को बहुत पसंद है, आज की वीडियो में भी कमेंट कीजिए, सो दैट आपके कमेंट्स में ऐसे ही टेक्स्ट स्टफ में फीचर करता रहूं। सो गाइस ये थी आज की शाम की टेक्स्ट स्टफ। आई होप आपको हर बार की तरह आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो गाइस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल सुबह फिर से टेक्स्ट स्टफ के एक और तड़कते भड़कते लीक से भरे हुए एपिसोड में। टिल देन खुश रहिए, आबाद रहिए, फलते फूलते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, पीस, जय हिंद। कल सुबह वाली वीडियो में भी Poco के एक और स्मार्टफोन के बारे में लीक देने वाला हूं। सो यस, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, यू कैन डू दैट राइट अवे। हमेशा चलता जो पीछे का लुक, इसको बट आज मैं आप